कुल्लू मनाली के लिए जुलाई महीने में शुरू होने जा रही हवाई सेवा से पर्यटन को पंख लगेंगे। हवाई सेवा शुरू होने से कुल्लू मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। यह बात होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकारों से बातचीत में होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि मनाली देश का ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ट्रैकिंग व साहसिक गतिविधियों से लेकर बर्फ की चांदी यहां के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों पर्यटक मनाली कुल्लू का दीदार करना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के चलते वे यहां का रुख नहीं कर पाते। लेकिन अब हवाई सेवा शुरू होने से देश व दुनिया भर के पर्यटक मनाली की वादियों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने को होटल एसोसिएशन गंभीर है और प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार की यथासंभव मदद करने को तैयार है। ठाकुर ने कहा कि कुल्लू मनाली में पर्यटन को गति मिलती है तो इससे प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे समस्त प्रदेश का विकास होगा। अभी जो केंद्रीय सरकार ने उड़ान सेवा शुरू की थी उसके अंतर्गत दिल्ली शिमला तो उड़ान चली, लेकिन कुल्लू की पेंडिंग रही थी। अभी जुलाई महीने में मनाली के लिए भी उड़ान के अंतर्गत स्पाइस जेट सेवा शुरू कर रहा है और निश्चित तौर पर ये मील का पत्थर साबित होगा और जो टूरिस्ट है मनाली की ओर रुख करेगा। आजकल जो भी व्यवसायी हैं, जो भी पर्यटक है, वो हिल स्टेशन देखना चाहता है, लेकिन उनके पास समय का अभाव होता है। और अगर भाई उन्हें टिकट मिलता है तो जितना वो 2-3 दिन अपना ट्रांसपोर्ट जर्नी में लगाएंगे वो भाई रहेंगे और यहाँ का लुत्फ भी उठाएंगे, यहाँ की वादियों को निहारेंगे और साथ साथ ही यहाँ के बर्फ का आनंद लेंगे। उन्होंने नेचौक मनाली फोरलेन सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और आग्रह किया कि कुल्लू मनाली वामतट मार्ग को शीघ्र सुधारे ताकि ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सके। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।